अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सचिन पायलट तो घर आ गए, अब देखना होगा कि जिस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नालायक और निकम्मा कह दिया था, उनके साथ वापस कैसे काम कर पाएंगे। हालांकि कुर्सी सब कुछ करा देती है और अशोक गहलोत कुर्सी बचाए रखने के लिए जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि वो सचिन पायलट के साथ किस तरीके से आगे की राजनीति करते हैं। फिलहाल इस वक्त की एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि मणिपुर में बीजेपी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इससे संबंधित जो विस्तृत समाचार आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन आप देखिए कि जाति और भाषा इसको लेकर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर राजनीति शुरू हो रही है। कभी समाजवादी पार्टी कह रही है, कभी बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि हम भगवान परशुराम की तुमसे ज्यादा बड़ी और भव्य प्रतिमा लगवाएंगे। तो ब्राह्मणों को लुभाने की राजनीति जो शुरू हुई है वो कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल ये जो सारी कवायद शुरू हुई है, हाल ही में कुछ अपराधी जिनको मुठभेड़ में मारा गया और ऐसा कहा गया कि वो ब्राह्मण समुदाय से थे, तो ब्राह्मणों को घेरा जा रहा है, ब्राह्मणों का घेराव किया जा रहा है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझते कि जो अपराधी होता है ना कोई उसका धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई भाषा होती है। अपराधी कानून की नजर में अपराधी ही होता है और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति चमकाना चाहते हैं अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण भी हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव वो भी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और आपको बताएंगे वैसे कि इस ब्राह्मण पॉलिटिक्स, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण जो कि कभी एक समय किंग हुआ करते थे, लेकिन अब कैसे किंग मेकर बनकर रह गए हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। इसके अलावा खासतौर पर तमिलनाडु में जिस तरीके से कनिमोई ने आरोप लगाया जो डीएमके की सांसद हैं कि उनको हिंदी नहीं जानने पर पूछ लिया गया कि क्या आप भारतीय हैं, इसको लेकर बवाल हो गया है। आज एचडी कुमारस्वामी उनके पक्ष में आ गए और ये यहां तक के आरोप लगा दिया कि जो दक्षिण भारतीय जो नेता होते हैं उनसे हिंदी बेल्ट के जो नेता हैं वो भेदभाव करते हैं और हिंदी बेल्ट के जो नेता हैं वो राजनीति में, केंद्र की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं, इसी वजह से कई दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पद से वंचित रह गए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रिया चक्रवर्ती से 10.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में जो रक्त का थक्का जम गया था उसके लिए उनकी सर्जरी की गई है। फिलहाल वो स्थिर हैं और जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, इस तरीके की रिपोर्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं मणिपुर से संबंधित खबर पे और उसके बाद आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीति हो रही है उससे आपको अवगत कराएंगे। मणिपुर में भाजपा नीत एन बीरेन सिंह सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 16 के मुकाबले 28 वोट से विश्वास मत जीत लिया। बीरेन सिंह के विश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लंबी चर्चा के बाद मत विभाजन के लिए रखा गया, जिसमें सरकार सफल रही। कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 24 विधायक हैं। 3 विधायकों के इस्तीफे और दल बदल कानून के तहत 4 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब सदन में सदस्यों की संख्या 53 है। उधर विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों ने खूब हंगामा भी किया। इस बीच उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लुभाने की राजनीति शुरू हो गई है। देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब ब्राह्मण किंग थे, लेकिन अब वे किंग मेकर बनकर रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों में अब तक गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, हेमवंती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी और श्रीपति मिश्रा शामिल हैं। एनडी तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री या कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राज्य की गैर भाजपाई पार्टियों ने परशुराम जी की भव्य मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने और परशुराम जयंती पर होने वाला अवकाश बहाल करने की मांग को ब्राह्मण वोट साधने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सपा की ओर से परशुराम जी की भव्य मूर्ति लगाने का ऐलान किया गया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार बनने पर बसपा परशुराम जी की प्रतिमा हर मामले में समाजवादी पार्टी की तुलना में ज़्यादा भव्य लगाएगी। इन बयानों के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाए जाने को लेकर
हो रही सियासत पर सोमवार को कड़ी नाराजगी जताई। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटे जाने को गलत करार देते हुए कहा कि यह सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश है। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सपा बसपा द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने के बयान पर कहा कि दोनों ही दलों ने शुरुआत से ही जातिगत राजनीति की है, इनका काम एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज की आस्था का प्रतीक बताते हुए प्रदेश सरकार से मांग की कि भगवान परशुराम जी की जयंती पर होने वाले अवकाश को बहाल किया जाए। परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगवाने की बात सपा ने शुरू की। सपा ने कहा कि वह भगवान परशुराम की 108 फुट ऊंची मूर्ति लखनऊ में लगवाएगी। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मिश्र ने बताया कि लखनऊ में फैजाबाद रोड या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जगह तलाशी जा रही है, मूर्ति कांसे की होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल 25 दिसंबर को चिरंजीव परशुराम चेतना परिषद के तत्वावधान में मूर्ति लगवाने का ऐलान हुआ था। मिश्र का कहना है कि प्रतिमा के साथ ही हिंदुत्व पर रिसर्च सेंटर और गुरुकुल भी बनाया जाएगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी द्वारा श्री परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगवाने की बात को चुनावी स्वार्थ करार देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को बसपा की कथनी और करनी पर पूरा भरोसा है। बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की इस चाहत के मद्देनज़र श्री परशुराम की प्रतिमा हर मामले में समाजवादी पार्टी की तुलना में ज़्यादा भव्य लगाई जाएगी। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की आस्था और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाने वाले श्री परशुराम तथा अन्य सभी जातियों और धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर आधुनिक अस्पताल और कम्युनिटी सेंटर आदि का निर्माण कराया जाएगा। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर परशुराम जयंती पर होने वाले अवकाश को बहाल करने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने 500 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों में उत्साह है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को यह उपलब्धि रास नहीं आ रही है, जिसके चलते वे हिंदू देवी देवताओं और ऋषियों मुनियों को जाति में बांटकर सियासी रोटियां सेकने का सपना देख रहे हैं। सपा नेता मनोज पांडे की हालांकि अपनी दलील है। उनका कहना है कि सपा हमेशा सामाजिक भागीदारी और सम्मान की पक्षधर रही है। भगवान परशुराम जयंती पर घोषित छुट्टी को भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। प्रतिमा लगवाने के पीछे कोई राजनीति नहीं है। उधर जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी ने दक्षिण के नेताओं को हिंदी राजनीति और भेदभाव के चलते मौका नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि इन बातों ने कई दक्षिण भारतीयों को प्रधानमंत्री बनने से रोका है। हिंदी नहीं जानने के कारण द्रमुक सांसद कनिमोई से CISF अधिकारियों द्वारा कथित रूप से क्या आप भारतीय हैं जैसा सवाल करने पर क्षोभ प्रकट करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ वर्ग पर दक्षिण का तिरस्कार करने और उसकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। अपने ट्वीटों में उन्होंने कन्नड़ों को कई सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में मौकों से कथित रूप से वंचित रखने को लेकर भी चिंता प्रकट की और कहा कि व्यक्ति को या तो अंग्रेजी में या हिंदी में परीक्षा देनी पड़ती है। कुमारस्वामी ने लिखा, द्रमुक सांसद कनिमोई से सवाल किया गया, क्या आप भारतीय हैं? मैं बहन कनिमोई का किए गए अपमान पर अपनी आवाज़ उठाता हूं। उन्होंने लिखा, अब यह बहस करना बिल्कुल उपयुक्त है कि कैसे दक्षिण के नेताओं से हिंदी राजनीति और भेदभाव के चलते मौके छीन लिए गए। द्रविण मुनेत्र कशिकम यानी द्रमुक सांसद कनिमोई ने रविवार को आरोप लगाया था कि चेन्नई हवाई अड्डे पर जब वह हिंदी में नहीं बोल सकीं तब CISF की एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या वह भारतीय हैं। इस पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मामले की जांच का आदेश दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि हिंदी की राजनीति ने कई दक्षिण भारतीयों को प्रधानमंत्री बनने से रोका है और HD देवेगौड़ा, करुणानिधि और कामराज उनमें प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो उनके पिता देवेगौड़ा इस बाधा को तोड़ने में सफल रहे, लेकिन भाषा के कारण उनकी आलोचना किए जाने और उनका उपहास उड़ाए जाने की कई घटनाएं सामने आईं। कुमारस्वामी ने कहा, हिंदी राजनीति तब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को लाल किले से अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण हिंदी में दिलाने में सफल रही थी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के कारण ही अंततः राजी हुए। इस हद तक देश में हिंदी राजनीति काम करती है।
उन्होंने कहा कि उनका भी ऐसा ही अनुभव रहा है क्योंकि वह 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सत्तारूढ़ वर्ग दक्षिण को तुच्छ मानकर उसकी अनदेखी करता है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि कैसे हिंदी भाषी नेता पैंतरेबाजी करते हैं, उनमें से ज़्यादातर गैर हिंदी नेताओं का सम्मान नहीं करते। उधर द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने अपनी बहन और पार्टी की सांसद कनिमोई से जुड़ी एक घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए सोमवार को पूछा कि क्या भारतीय होने के लिए हिंदी जानना ही एक मापदंड है। हिंदी नहीं बोल पाने पर CISF के एक अधिकारी ने कनिमोई से कथित रूप से पूछा था कि क्या वह भारतीय हैं। द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय होने के लिए क्या हिंदी ही मापदंड है, यह इंडिया है या हिंदिया है। कनिमोई ने आरोप लगाया था जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसकी जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल द्रमुक दशकों से हिंदी थोपे जाने का विरोध करती रही है। स्टालिन ने ट्वीट में कहा कि बहुलवाद को खत्म करने की कोशिश करने वाले खत्म हो जाएंगे। कनिमोई ने रविवार को ट्वीट किया था, मैं हिंदी नहीं जानती, इसलिए तमिल या अंग्रेजी में बोलने के लिए कहने पर हवाई अड्डे पर CISF की एक अधिकारी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भारतीय हूँ, और यही बात वो लगातार बार बार दोहरा रही हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत के केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो जांच शुरू की है, उस मामले में सोमवार की सुबह रिया चक्रवर्ती दोबारा से पूछताछ के लिए ED दफ्तर पहुंची थी। रिया और उनका परिवार करीब 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद ED के दफ्तर से निकला। बता दें कि रिया के साथ ही सुबह उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती भी पहुंचे थे। वहीं सुशांत के साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी करीब 2 बजे ED दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले रिया की पूर्व मैनेजर और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी भी ED दफ्तर पहुंची थी। रिया चक्रवर्ती से इससे पहले शुक्रवार को पूछताछ हुई थी। शुक्रवार को ही श्रुति मोदी से भी ED ने सवाल जवाब किए थे, जबकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती सोमवार को तीसरी बार ED के सामने पेश हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को और फिर रविवार को शौविक से पूछताछ हुई। रविवार को शौविक से ED ने 18 घंटे सवाल जवाब किए। शौविक सुशांत संघ कंपनियों में हिस्सेदार थे। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से इस मामले में पहली बार पूछताछ हुई। आरोप है कि पिछली पूछताछ में रिया ने ED के कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया था। माना जा रहा है कि इस बार और गहराई से सख्त पूछताछ हुई। रिया से उनकी प्रॉपर्टी और आमदनी के बारे में भी सवाल पूछे गए। उधर सचिन पायलट ने कहा है कि पार्टी अगर पद देती है तो पार्टी पद वापस भी ले सकती है। आप देखिए कैसे सुर बदल गए हैं। पार्टी को पूरे 1.5 महीने तक नचाने के बाद और राजस्थान की जनता को 1.5 महीने तक घुमाने के बाद सचिन पायलट के जो सुर बदले हैं, अपनी मांगे मनवाने के बाद उनके जो सुर बदले हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि जब सुर बदलते हैं तो नेता जी क्या कहते हैं। पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं।